Hi friends, what's up? Welcome to Engineer Desh 2. Friends, आज आपको बताने वाले हम अपने स्कूल के आर्ट टीचर के बारे में, गोपाल सर. गोपाल सर इज अ ग्रेट टीचर. Yes. And what a painter man. हम उनसे बहुत कुछ सीखा है. For sure. है ना? और कल गए थे हम उनसे मिलने उनके स्टूडियो में. And we had a pleasant surprise. Yes. वो आज भी पैंटोग्राफ यूज करते हैं. और पैंटोग्राफ एक ऐसा टूल है जिससे ड्राइंग को स्केल अप करके बनाया जा सकता है. मतलब यहाँ अगर वो छोटी ड्राइंग आप और यहाँ पर वो स्केल अप हो जाती है. आप बोलेंगे इसमें क्या है, कंप्यूटर में गया और राइट क्लिक और जूम किया और प्रिंट आउट लिया, है ना? लेकिन जब कंप्यूटर और फोटोकॉपी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब आर्टिस्ट पैंटोग्राफ से अपनी ड्रॉइंग्स को स्केल अप करते थे और स्केल डाउन भी करते थे. तो ये देखने के बाद गोपाल सर के स्टूडियो में वही के वही डिसाइड कर लिया कि आज हम पैंटोग्राफ बना लेते हैं. तो फिर ये पैंटोग्राफ कैसा होता है ना, अभी सोच लो एक पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा. कैसे एक्सप्लेन करूँ यार विक्रम? हाँ, व्हेनेवर इन डाउट व्हाट डू वी डू? ओ, लेट्स गो टू द स्केचबोर्ड. सबसे पहले देखते हैं पैंटोग्राफ कैसा दिखता है. दिखता है कुछ ऐसे ही, ठीक है? सबसे पहले ये पॉइंट हमको फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा. ये फिक्स्ड है. और जब ये दूसरा मेंबर यहाँ पर ऐसे लगता है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये पिवट है, लेकिन फिक्स्ड नहीं. अभी इसका मूवमेंट होएगा ऐसा और ऐसा, है ना? तो मतलब कि ये है एक पिवट पॉइंट जो फिक्स्ड नहीं है, और ये भी है एक पिवट पॉइंट, लेकिन ये फिक्स्ड है ना? तो समझ लेते ये भी छोटू स्केल्स है. तो अभी हमको यहाँ पे एक पेंसिल लगाना पड़ेगा. और एक पेंसिल लगा देते हैं यहाँ पर. जब ये पेंसिल से हम कुछ ड्राइंग बनाएंगे, इस पेंसिल से वो ड्राइंग डबल साइज का बन जाएगा. तो अब एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें बना देते हैं दो पॉइंट, एक यहाँ और एक यहाँ. हाँ, अब हम दोनों इस पॉइंट पे अपनी एल्बो रख के एक आर्क बनाएंगे, है ना? And then we will see the difference in their sizes. चलो, go. अरे, तेरा तो बड़ा बोट बना, मेरा तो छोटा बोट बना. ये बन गया एक यहाँ पर बड़ा बोट और एक छोटा बोट. अब ऐसा क्यों हुआ? ये समझते हैं, है ना? Yes. जैसा ये ड्राइंग छोटा भाई ने बनाया था ना, ऐसे ही ये छोटा भाई का हाथ है, है ना? और ये बड़ा भाई ने ड्राइंग किया, तो ये बड़ा भाई का हाथ है. लेकिन ये काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं. बट टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब चार साइड वाला एक ज्योमेट्रिक फिगर. अब इसकी दो साइड इक्वल लेंथ की होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. नाउ सिमिलरली हमारा जो पैंटोग्राफ होता है, विच इज दिस सिमिलर टू दिस, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ऐसा, जो कि है छोटा भाई. और जो दूसरा पैरेललोग्राम होता है वो कहाँ है इसमें, वो में दिखता नहीं है, वो है एक हिडन पैरेललोग्राम. उसको रिवील करते हैं. ये बना दूसरा पैरेललोग्राम यहाँ पर ऐसे, और ये बन गया हमारा बड़ा वाला. जो भी चीज यहाँ पर बनेगी ऐसे छोटी सी, वो चीज यहाँ पर डबल हो जाएगी साइज में, यानी 2x स्केल अप हो जाएगी. तो उसका साइज हो जाएगा ऐसा. अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ तीन गुना बड़ा ड्राइंग कैसे बना सकते हैं. ये देखो ड्राइंग, इसको एक्सटेंड करो ऐसे और यहाँ पे बनेगा हमारा तीन गुना बड़ा सर्कल. और जो हमारा पैरेललोग्राम होगा उसका शेप कैसा होगा? उसका शेप होगा ये ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का शेप. बिल्कुल वो जो सांप वाला गेम नहीं आता जिसे एक्सटेंड हो जाता है. Yes, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा ये. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें ये 3x ड्राइंग चाहिए ऐसी, और हमारा ड्राइंग टूल होगा इतना छोटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर समझते हैं. अभी हमारा एक स्केल हमने लगाया था ऐसा यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दो छोटे स्केल लगा दिए थे ऐसे. तो यहाँ पर हमें मिल रही है डबल स्केल की ड्राइंग.
अगर इसको हमने ट्रिपल स्केल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस स्केल की लेंथ और बढ़ जाएगी, मतलब इतना पार्ट इसमें और ऐड आ जाएगा और हमारे पैंटोग्राफ का ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब स्केल की लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी। अब बेसिक डिजाइन तो समझ आ गया, अभी बना के भी तो देख लेते हैं। यस, लेट्स इंजीनियर दिस। तो सबसे पहले ये सारे स्केल्स के सेंटर पे एक लाइन मार्क कर लेंगे, और ये इसलिए कि जब हम इस पे होल्ड करेंगे तो वो अलाइन हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स डू दैट। ओके, तो ये होगी पांचों स्केल पे सेंटर की लाइन ड्रॉ। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, जो भी ड्राइंग हमको दो गुना बड़ा एनलार्ज करना है तो हमको ये स्केल को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। पहला मार्किंग 15 में करो। अभी तीन गुना बड़ा ड्राइंग करना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 3। 30 डिवाइडेड बाय 3 10, तो 10 पे मार्किंग करते हैं। और सिमिलरली चार गुना बड़ा करने के लिए लाइन को डिवाइड करेंगे बाय 4 से, यानी कि 7.5 पे मार्किंग आई है हमारी। एंड फॉर 5x क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6 पे। तो ये होगी हमारी पांचवी मार्किंग। And now we will repeat this process in rest of the scales. हाँ, ये हो गया marking. है ना? विक्रम, हाँ, ये scales सारे similar हो गए हैं, marking भी same है, तो जब pantograph का arrangement करेंगे बहुत confusion हो सकता है। क्यों ना मैंने color code कर ले tape से? Yeah? Color coding is a very good idea. तो ये होगी scales की color coding, much easier to understand. Yeah, yellow, green, red and blue. चलो अब देखते हैं pantograph का arrangement कैसा होना चाहिए। And now let's understand कि holes कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं। So पहला hole होगा drill यहाँ पर 0 पे, because this is a fixed pivot point, मतलब कि इसके around पूरा pantograph move होगा। ऐसा। Yes। दूसरा hole आएगा यहाँ पर, तीसरा आएगा यहाँ पर और चौथा आएगा यहाँ पर। अब बाकी है pencils का position, पहला position यहाँ पे और दूसरा position यहाँ पे। Let's fix these things here. Yes, so I'll go with the drill. हाँ। ड्रिल मशीन। तो विक्रम, हाँ, सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो पिवट पॉइंट्स आने वाले हैं यहाँ पर, हाँ, उसका डायमीटर क्या होगा ड्रिल बिट का? अरे हमारे पास कुछ स्क्रूज है ना पुराना प्रोजेक्ट का, लेट्स गेट देम आउट। उसके हिसाब से हम ड्रिल बिट डिसाइड करते हैं। ओके, यही पे सो जो ड्रिल बिट अपने पास लगा हुआ है मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट फिट होगा। यस, है ना? तो ये 5 mm का ड्रिल बिट विल बी गुड फॉर द स्क्रू। यस। चलो, नेक्स्ट इज डिसाइडिंग द ड्रिल बिट फॉर पेंसिल। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर। 8 mm का होल कर लेते हैं। 8 का, ओके। okay. तो जो ड्रिल बिट्स हम यूज कर रहे हैं वो है 5 mm एंड 8 mm। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रिलिंग जॉब। हाँ, वो प्रतीक, सेफ्टी ग्लासेस कहाँ है? सो सॉरी। हाँ, इसको पनिशमेंट देना चाहिए अभी। सेफ्टी ग्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रतीक, हाँ, मैं ना ये स्केल के ऊपर 1 और 30 पे भी मार्किंग कर लेता हूँ, और हमारा पेंसिल रखने के लिए मैं बड़ा सर्किल ड्रॉ करूंगा ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। यार प्रतीक, ये पैंटोग्राफ कंप्लीट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फॉर श्योर। लेकिन तुझे ये पता है ये पैंटोग्राफ का डिजाइन पहली बार कब बना था? नहीं पता ना? द आंसर इज 1603 AD, है ना? बहुत पुराना है। ये पैंटोग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया है क्रिस्टोफ शाइनर ने। सो नाउ लेट्स अरेंज द स्केल्स। एक बनेगा इसका ऐसा क्रॉस। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर इज जो 1 टू 30 और 1 टू 30 का जो ऑर्डर है वो क्रॉस में ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर। सिमिलरली दूसरा पैर, उसमें भी 1 टू 30 अरेंज करना है बट ऊपर से, रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे और 1 टू 30 ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में आने वाला है। करेक्ट, बट बिफोर वी फिक्स देम हम यहाँ पर होल गार्ड्स लगा लेते हैं। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। कैन यू गेट देम? या या, आई विल गेट इट। ये जो होल गार्ड्स होते हैं वैसे तो ये स्टिकर्स होते हैं जो फाइलिंग के टाइम पेपर में लगाया जाता है ताकि पेपर फटे ना। दिस इज हाउ दे लुक। यस, लेकिन हम यहाँ पर होल गार्ड्स लगा रहे हैं मार्किंग के पर्पस के लिए। मतलब
यहाँ जो होल गार्ड लगेगा उसमें हम लिख देंगे 2x, वैसे ही 3x, 4x, 5x ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। अभी इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेते हैं। करेक्ट। तो आपको याद होगा 2x ड्राइंग के लिए हमने स्केल को दो पार्ट में स्प्लिट किया था, मतलब 15 सेंटीमीटर पे हर जगह 2x की मार्किंग कर लेते हैं, और इसी तरह से 3x के लिए स्केल को तीन पार्ट में स्प्लिट, मतलब 10 सेंटीमीटर पे लिखेंगे 3x, और उसी तरह से 4x के लिए 7.5 सेंटीमीटर पर और 5x के लिए 6 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लेंगे। चलो हो गया ना मार्किंग? यस। अभी यहाँ पे हम स्क्रूज से फिक्स कर लेते हैं। नॉट येट विक्रम। क्यों यार, ये जो स्केल की पीसेस बाहर निकल रहे हैं ये एक तो हमारी ड्राइंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ओके। और ये दिखने में भी जरूरत नहीं है ना, लेट्स कट इट ऑफ। ठीक है, चलो मैं हैक्सो लेके आता हूँ। ऑलराइट, एंड आई विल गेट द सेफ्टी ग्लव्स। अच्छा विक्रम, हाँ, कैन यू ऑल्सो गेट सम सैंड पेपर? कूल, ये आ गया हमारा सैंड पेपर और छोटू सा हैक्सो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सैंड पेपर क्यों मंगवाया विक्रम से, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा स्केल है ये वुड का है और जो वाइस होता है इसमें होते हैं ग्रूव्स। नाउ सैंड पेपर प्रोवाइड्स अस थिकनेस एंड ऑल्सो द ग्रिप, तो स्केल में मार्क्स भी नहीं आएंगे एंड इट वोंट इवन स्लिप। देखो वाह, ये कितना क्लीन हुआ। अच्छा सा, अभी इसको फिक्स करते हैं स्क्रू एंड नट से। पहले हम करेंगे 2x पे फिक्स। तो जितने भी यहाँ पर नट एंड बोल्ट लगा रहे हैं हम, इनको ज्यादा टाइट नहीं करेंगे बिकॉज मूवमेंट के लिए थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे जिससे ये मोशन फ्री रहे। चलो ये तो फिक्स हो गया सारा। आई थिंक इसको थोड़ा सा हाइट देना पड़ेगा बिकॉज ये फ्रिक्शन से हमें स्मूथ मोशन नहीं मिलेगा। तो एक आइडिया है ना, ये जो बची हुई पीसेस ये दोनों के साथ ये दोनों चिपका देंगे और यहाँ पे लगा सकते हैं। तीन स्क्रू करेंगे, यहाँ दूसरा यहाँ, और तीसरे में से हम इसको अटैच करेंगे। पहले इसको चिपका देते हैं और जब तक ये ड्राई होता है हम यहाँ पर दो होल्स करके स्क्रू लगा लेते हैं। तो विक्रम, आज इस पैंटोग्राफ सबसे पहले तू क्या बनाएगा? मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाने वाला हूँ, जैसे कि एप्पल। ओके, तू क्या बनाने वाला है? मैं ना इससे कुछ लिखूंगा। पता है क्यों? आई नो। यस, पैंटोग्राफ पुराने जमाने में कैलीग्राफर्स भी यूज करते थे कैलीग्राफी करने के लिए, तो यहाँ कुछ छोटा लिखूंगा और कुछ बड़ा बन जाएगा, तो पोस्टर बना सकते हैं कुछ अच्छा सा। अब ये तीसरा स्क्रू फिक्स करेंगे, और ये फिक्स्ड स्क्रू नहीं है, ये पिवट पॉइंट है ना, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा दो वॉशर्स, एक स्केल के ऊपर और एक स्केल के नीचे। तब तक हम यहाँ पे ये डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे आएगा एक पेंसिल, यहाँ पे एक हो गया ये फिक्स। ये देख यार, अभी भी ये हिल रहा है। It's not fair. अभी यहाँ पे पता है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। हाँ? इसको होल्ड करने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ? कंपस जैसा। यस, हमारे पास एक कंपस है, इसको से काट देंगे क्या? विक्रम, हर चीज क्यों काटेंगे यार? वी आर हियर टू इंजीनियर दिस, राइट? गॉट इट। लेट मी फिगर दिस आउट। ये यहाँ पे एक काम कर, तू रबर वॉशर लेके आ। रबर वॉशर लेके आ ना। ठीक है, ये मिल गया रबर वॉशर्स। अब बोल तेरा आइडिया क्या है? ये है आइडिया, गेम खेलना है? नहीं। हाँ, इससे बनाएंगे हम एडजस्टेबल होल्डर। ओके, तो यहाँ से करेंगे होल ड्रिल। हाँ, तो ये आ जाएगा ऊपर ऐसे। ओ, डेप्थ भी मिलेगा हमको। यस, और नीचे लॉक करेंगे हम रबर वॉशर से। ओके, और अगर जरूरत पड़ी तो साइड से एक होल करके कंपास दिखाना। यस, तो ये होल यहाँ ड्रिल कर लेंगे तो हमें ये मिल गया। हाँ, साइड से अगर जरूरत पड़ी एक और होल ड्रिल करके हम यहाँ लॉकिंग का मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। हाँ, यही स्क्रू यूज करें? नहीं, अच्छा नया स्क्रू ला सकते हैं। ठीक है, सॉरी। So, जैसे पेंसिल के लिए हमने 8mm का ड्रिल बिट यूज किया था, वैसे ही इसके लिए भी हम 8mm के ड्रिल बिट को यूज करेंगे। और तब तक ये वॉशर हम नीचे से रख के पेंसिल ऊपर से फिक्स कर लेंगे। ठीक है? ओए, हाँ, समझ में आ गया, सेफ्टी ग्लासेस। और क्योंकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है, सेफ्टी ग्लव्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये लो, डाइस रेडी। ये पेंसिल रखने के लिए बड़ा होल और एक छोटा होल जिसमें जाएगा एक स्क्रू, क्योंकि हम रेप्लिकेट कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म।
तो यहाँ पर एक स्क्रू डालेंगे जिससे एडजस्टेबल बन जाएगा। ये जो स्क्रू होता है इसमें होते हैं ग्रूव्स। अब अगर हमें अपने डिवाइस को एडजस्टेबल बनाना है तो ये स्क्रू अंदर और बाहर आराम से जाना चाहिए और लॉक भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक टूल, वो है एक थ्रेडर। यस, ये जो छोटा होल है ना उसके अंदर ये ग्रूव्स बनाएगा। ये स्क्रू रखा है यहाँ पर, हो गया और ये फिट हुआ। यस, टाइट, ना अंदर जाएगा और ना बाहर आएगा। सो नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। यहाँ पे भी फिक्स हो गया। प्रतीक, आई थिंक पैंटोग्राफ इज ऑलमोस्ट डन। यस, है ना, टाइम टू टेस्ट इट। हाँ, तो उसके लिए चाहिए हमको अच्छा सा पेपर। यस, तो लग गई ड्रॉइंग शीट, इट्स टाइम टू ड्रॉ। ये किया साइड में एंड मैजिक, तेरा मैजिक पुश हो गया। यहाँ पे तो अभी डार्क आए नहीं ना, तो यहाँ पर लग रहा है मेरे हाथ का प्रेशर और वहां पर कोई प्रेशर नहीं है। वेट चाहिए, वेट। तीन यहाँ पर नट्स लगाते हैं, फिर से आया पैंटोग्राफ। नाउ टाइम टू ड्रॉ। बहुत अच्छा बनाया तूने, एब्स्ट्रैक्ट ड्रॉइंग। ये पता नहीं क्या है बट देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे तो स्केल डबल हो गया। दिस वॉज सच ए सुपर कूल प्रोजेक्ट विक्रम, है ना। इससे तो कोई भी ड्रॉइंग परफेक्टली इनलार्ज कर सकते हैं। हाँ, चलो ये गोपाल सर को दिखाते हैं। यस, और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में अभी वापस आ रहा हूँ यार दिलवान, सब्सक्राइब करना भूलना मत और उसके साथ साथ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। अगली बार मिलेंगे किसी अलग जगह पे। बाय।